आधा यूरोप भी इसकी जद में होगा। खास बात यह है कि 17 मीटर लंबी और 50 टन वजनी अग्नि 5 मिसाइल को कहीं भी ले जाने के अलावा इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। इसके बाद 15 सितंबर 2013 को इसका दूसरा परीक्षण हुआ और 31 जनवरी 2015 को तीसरा। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद अब तैयारी हो रही है अग्नि 6 की। इससे पहले 22 मई 2016 को इसरो ने अंतरिक्ष में अपना स्वदेशी स्पेस शटल का डेमो लॉन्च कर कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए। अमेरिका और रूस के बाद भारत स्पेस शटल लॉन्च करने वाला तीसरा देश बन गया। RLVTD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अमेरिकन स्पेस शटल की तरह ही है। ये स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एयरक्राफ्ट की तरह वापस आ गया। अब इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। इससे सैटेलाइट की कॉस्ट को 10 गुना कम किया जा सकेगा। आमतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने और उन्हें वापस लाने के लिए अलग अलग शटल को भेजना पड़ता है। इससे अंतरिक्ष मिशन की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसरो के इंजीनियर्स का मानना है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने की लागत कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित हो सकता है। RLVTD का फाइनल वर्जन बनने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन अमेरिका के GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह भारत ने खुद का नेविगेशन सिस्टम साबित करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। 28 अप्रैल 2016 को इसरो ने IRNSS-1G के तौर पर भारत के नेविगेशन सैटेलाइट की सीरीज का 7वां और आखिरी सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके प्रक्षेपण से भारत कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसके पास GPS जैसी प्रणाली है। ये सैटेलाइट लगातार डेटा भेजते हैं जिन्हें स्मार्टफोन या फिर किसी दूसरे उपकरण से पढ़ा जा सकता है। IRNSS की रेंज भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर आगे तक है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे देशों में भी सैटेलाइट की पहुंच होगी। इस सैटेलाइट की मदद से लड़ाकू विमानों, ट्रकों और ट्रेन के किसी डब्बे को भी रडार पर रख पाना अब मुमकिन हो पाएगा। साफ है कि युद्ध के दौरान ये भारतीय फौज के बेहद काम आ सकता है। सोलह में नेवी की ताकत भी कई गुना बढ़ गई। भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को अगस्त में नेवी में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही भारत ने दुश्मनों के खिलाफ जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता से जुड़ी एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली। न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है, यानी जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता। यूं तो भारत के पास जमीन से लंबी दूरी तक निशान लगाने वाली अग्नि मिसाइलें पहले से मौजूद थी और न्यूक्लियर वारहेड ढोने में सक्षम फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। कमी केवल समुद्र से परमाणु हमले के मोर्चे पर रह गई थी, जो साल 2016 में पूरी हो गई। भारत के पास अब हवा में एयरक्राफ्ट से, जमीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए और पानी के नीचे सबमरीन से परमाणु मिसाइलें दागने की क्षमता आ गई है। लाइट वाटर रिएक्टर से चलने वाली इस पनडुब्बी का ट्रायल दिसंबर 2014 से ही चल रहा था। वायुसेना भी मजबूत हुई है। 2016 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में उस लड़ाकू विमान की एंट्री हो गई जिसका इंतजार 30 साल से किया जा रहा था। फाइटर प्लेन तेजस की रफ्तार, हल्का वजन और दुश्मन को हर हाल में मात देने की क्षमता इसकी खासियत है। बड़ी बात यह है कि देश में तैयार किए गए तेजस विमान की गिनती दुनिया के चंद सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में हो रही है। तेजस फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में भी सक्षम है और एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस के निचले हिस्से में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। इन हथियारों में हवा से धरती पर और हवा से पानी पर हमला करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और बम से भी लैस है। अपने दुश्मनों और विरोधियों को चेतावनी भी दी। भारतीय वायुसेना ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान को चीन की सीमा से सटी सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड कराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 27 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में जब यह विशाल काय प्लेन उतरा तो भारत का सीना चौड़ा हो गया। वहीं चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वायुसेना का यह विमान दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक सैन्य विमान है। युद्ध के दौरान यह विमान सेना के दो ट्रकों को एक साथ वायुसेना की पोस्ट पर उतार सकता है।
62 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना का यह कदम चीन के लिए एक चेतावनी की तरह है, ताकि वह अरुणाचल की सीमा पर अपने सैनिकों की बदमाशी। एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर को देखकर चीन से हां तो आर्मी के एक बार ने पाकिस्तान को सन्न कर दिया। 2016 में हिंदुस्तानी फौज ने वो कर दिखाया जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। इंडियन आर्मी की स्पेशल टीम ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ते हुए 29 सितंबर की रात पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और वहां मौजूद आतंकियों के दर्जन भर ट्रेनिंग कैंप्स को निस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डेरा डालकर बैठे करीब 200 आतंकियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि इन कैंप में जैश, हिजबुल और लश्कर के आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारतीय फौज की इस कार्रवाई से पूरी तरह इनकार कर दिया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ने पिछले कई सालों से आतंकवाद का दंश झेल रही भारतीय आवाम का मनोबल जरूर बढ़ा दिया। ₹500 और ₹1,000 के करेंसी नोट नहीं। 2016 में भ्रष्टाचार और काले धन पर भी सरकार ने करारा हमला बोला। 8 नवंबर की रात पीएम मोदी ने 5,000 के नोटों का चलन बंद करने का आदेश दिया। 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हालांकि सरकार ने शुरुआत में पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल समेत करीब 18 जगहों पर नोट के इस्तेमाल की छूट दी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। कई जगह 500 और 1,000 के सैकड़ों नोट फेंके हुए मिले। कई लोगों के पास से लाखों करोड़ का कैश बरामद हुआ। आंकड़ों के अनुसार अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा का काला धन बरामद हो चुका है। जाहिर है ये वो रकम है जिनका कोई हिसाब नहीं था और जो सालों से धन्ना सेठों की तिजोरी में छिपी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति से पर्दा हटा दिया। लिहाजा कहना गलत नहीं होगा कि यह सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी रही। एक तरफ काले धन सामने आया तो दूसरी तरफ देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार 2016 में पास हो गया। राज्यसभा के बाद 9 अगस्त को लोकसभा में भी कुछ संशोधनों के साथ जीएसटी को हरी झंडी दिखा दी गई। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म्स। अब अप्रैल 2017 से इसे लागू होने के बाद पूरे देश में एक जैसा टैक्स लागू हो जाएगा जिसका फायदा समाज के सभी तबके के लोगों को मिलेगा। जीएसटी के लागू होने के बाद हर सामान और हर सर्विस पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी ही लगेगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत अब एक ही रहेगी, जिससे सामानों के दाम घटने की भी उम्मीद है। फिलहाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लगते हैं जिससे सामानों की कीमत में अंतर रहता है। माना जा रहा है कि जीएसटी से 2017 में आम भुगतानों को बड़े फायदे होंगे। आम लोगों को 2016 में आसान और आरामदायक सफर की सौगात भी मिली। बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे देश को अब तक की सबसे तेज रफ्तार वाली गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई। ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच चलती है और इसकी स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी महज 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंचा जा सकता है। हफ्ते में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और 8 एसी चेयर कार कोच हैं। एसी चेयर कार में किराया 750 रुपये जबकि एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में 1,500 रुपये है। ट्रेन में मुसाफिरों को मल्टीमीडिया मनोरंजन की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी। ट्रेन के डिब्बों में हॉटस्पॉट उपकरण लगाए गए हैं जिससे हिंदुस्तान को अमेरिका ने भी दिया। अमेरिका ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR के सदस्य देशों में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी कर दी। 34 देशों के समूह में शामिल होने से भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का भी साथ मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब अमेरिका से मानव रहित ड्रोन खरीद सकेगा और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बेच सकेगा। साथ ही अमेरिका और फ्रांस की मदद से भारत 10 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म भी कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत को मिसाइल डिस्ट्रॉयर तकनीक यानी एंटी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी भी हासिल हो सकती है। सोलह में चाबहार समझौता कर भारत सरकार ने ईरान के साथ संबंधों में सुधार की एक बड़ी पहल की।
मनमोहन सरकार के समय दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुधारा है। इस समझौते से भारत ने पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दिया है। बता दें कि चाबहार दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है, जिसके जरिए भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाएगा। इस बंदरगाह तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट तक पहुंचना आसान है। इस बंदरगाह के जरिए भारतीय सामानों के ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय एक तिहाई कम हो जाएगा। चाबहार समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान से संबंधों के लिए भारत अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ दुनिया भर के तमाम देशों से अपने संबंध अच्छे किए, वहीं पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई और कई ठोस कदम उठाए। यूएन असेंबली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि हमारे बीच ऐसे राष्ट्र मौजूद हैं जो आतंक की भाषा बोलते हैं। हमें ऐसे देशों की पहचान करनी चाहिए और उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान कराने की कूटनीतिक कोशिशें शुरू हो गई। भारत ने नवंबर में पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन का भी बहिष्कार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद फैलाने वाले देश के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता। भारत के इस ऐलान के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी साथ आ गए और सार्क समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। रियो दी जेनेरियो में हुए 2016 ओलंपिक में यूं तो भारत को ज्यादा मेडल नहीं मिले, मगर रियो में हिंदुस्तान की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया वो बेहद खास था। पीवी संधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर जैसी महिला खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से ओलंपिक में देश के लचर अभियान में एक नई जान डाल दी। शटलर पीवी संधू और रेसलर साक्षी मलिक ने भारत को ऐसे समय में मेडल दिलाए जब बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भी खाली हाथ रह गए। संधु का बैडमिंटन में रजत और साक्षी का कुश्ती में कांस्य पदक जीतना खेलों में अब तक भारत के सबसे गौरवशाली पल रहे, तो दीपा कर्माकर ने कोई पदक ना जीतते हुए भी अपने शानदार प्रदर्शन से उस खेल को देश में एक नई पहचान दे दी, जिसमें अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। कहना गलत नहीं होगा कि 2016 में हिंदुस्तान ने आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, रक्षा और खेल समेत लगभग हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े। उम्मीद है देश की कामयाबी का ये सिलसिला नए साल में भी जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।